गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक में सावन के माह में प्रबंध द्वारा मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया, जिसके तहत मंदिर में भगवान श्री राम, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति और शिव दरबार की प्रतिमा स्थापित की गई है। जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी रामकृष्ण गोपाल सैनी ने बताया कि मंदिर की स्थापना 1972 में हुआ था। उसके बाद कई बार मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इस बार हुए कार्यों में 3 दिन से मंदिर में पूजा चल रही है, जिसकी मंगलवार को पूर्ण आहुति किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राचीन काली मंदिर गोलघर के पुजारी कृष्ण गोपाल सैनी ने कहा, वो पंचमुखी हनुमान जी हैं। पाठ चल ही रहा है, बनी हुई है, माता का कप्पर जलने जा रहा है, जल रहा है। इसी के बाद जो है नाम कृष्ण गोपाल सैनी, पुजारी काली मंदिर। तो पहले 1972 में हुआ था, उसके बाद बार बार जीर्णोद्धार हुआ। आज जो है हम लोग 3 दिन पहले से पूजा शुरू किए हैं, भगवान राम लला दरबार, राम दरबार को स्थापित किए हैं और पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित किए हैं और शिव दरबार को स्थापित किए हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज पूर्ण आहुति किए हैं। मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ जी, मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है।